लेके रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी पोस्टर कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जो गाइस न्यू डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आई है। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस, अगर आप लोग भी इस तरीके की फोटो एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। इंस्टाग्राम को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे गाइस आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा उसको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक्सआर्ट में ऐड कर लेना। ये गाइस हमारा बैकग्राउंड रहा, ठीक है। उसके बाद से सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे अब आपने इसको ड्रॉ टूल में लेके जाना है। ये बैकग्राउंड गाइस मैंने खुद से क्रिएट किया, बहुत खोजा पर मिला ही नहीं कुछ, तो मुझे खुद से ही बनाना पड़ा। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल से ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखो क्या करना, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे देखना है कि एक एम्प्टी लेयर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक एम्प्टी लेयर आपको पहले से ही मिलेगा, देखो यहाँ से। तो आपने क्या करना है, नीचे देखो ऐड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है और वहाँ से गाइस आपने फोटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक और मैं पीएनजी दे दूंगा, आपने उसको ऐड कर लेना है। तो इसमें गाइस मैंने क्या कहा, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके हेड को कट कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो जो गाइस हेड है वो कटा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेट करना है। तो सेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साइज आपने इंक्रीज करना है और गाइस जो दोनों का बॉर्डर है वो दोनों को मिला देना है। तो अभी ये नहीं हो पाएगा, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं और अभी यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे। तो देखो सेट कैसे करना है, आपने क्या करना है, जो ये इमेज है उसको थोड़ा सा नीचे के साइड सेट करना है। जैसे गाइस यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ऊपर साइड वाला, उससे मिला नहीं देना, उसमें थोड़ा सा उसको दूर रखना है। वैसे गाइस मैं इस सेट की हुई इमेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी मैं सेव करके तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे गाइस जब मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो अब नीचे बैकग्राउंड को हाइड करेंगे, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड को हाइड करते हैं। तो कुछ ही स्टेप से हमारी सेट हुई है। तो सिंपल से इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। यहाँ से गाइस हम इसको डन करते हैं और यहाँ से हम डन करते हैं और फिर यहाँ पर गाइस नीचे जो बैकग्राउंड है उसको सिंपल से ऑन करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे जिसमें गाइस हमें अपनी फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला बॉर्डर है जहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है उसको हमें इरेज करना है। तो यहाँ पे हार्डनेस को जीरो करना है, ओपेसिटी कम करना है और यहाँ पे इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। जैसे देखो हमने यहाँ पे इसको इरेज कर लिया, तो जैसे आप इरेज करोगे गाइस ये मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड में, ये आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो इधर भी मर्ज हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक और एम्प्टी लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे एक और एम्प्टी लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर बन गया। तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को बीच में रखते हैं। फिर क्या करते हैं, हम ऐड फोटो पे जाते हैं और यहाँ पे आपको देखो एक पीएनजी मिलेगी, ठीक है। ये रही मॉडल की पीएनजी, आपने सिंपल से इसको ऐड करना है। यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम टैप कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म पे लेके जाएंगे और यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सूट है उसके अंदर हम इसको अपने मॉडल को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने अच्छे से एकदम देख कर सेट करना है। जैसे गाइस अब ऐसा नहीं ले कि जैसे आपका हेड बड़ा हो गया या फिर हेड छोटा हो गया है, तो इन दोनों को एकदम अच्छे से मैच करके अच्छे से एकदम सेट करना है। जैसे हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं, ठीक है। जब गाइस आप इसको अच्छा सेट करोगे तो ही आपकी फोटो अच्छी एडिट होगी, अगर अच्छा सेट नहीं करोगे तो फिर बकवास लगेगा, किसी काम का नहीं लगेगा। जैसे देखो हमने यहाँ पे इसको सेट किया है, बट यहाँ पे जो गाइस जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कपड़ा है वो आ रहा है हमारे गालों पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको इरेज करते हैं। तो इरेजर पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी हार्डनेस को हम फुल करते हैं, हो जा भाई ये हो गया फुल, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे साइज को कम करेंगे और यहाँ से हम इसको इरेज कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे जो गाइस लेयर है वो हमने मॉडल वाले पे की रखी है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, उस पीएनजी वाले पे करेंगे, कपड़े वाले पे, और यहाँ पे इसको हम इरेज करेंगे कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे गाइस ये भी आपका हो जाएगा जब आप इरेज करोगे। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको इरेज कर लिया, अब यहाँ पे ये फिक्स भी हो गया है। तो हमें यहाँ पे एक दो चीज़ और करनी है। जैसे गाइस यहाँ पे हमें शैडो बनाना है, तो उसके लिए एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे, यहाँ पे उस पीएनजी के नीचे रखेंगे और यहाँ पे जो गाइस आपकी जो नेक है मतलब जो गर्दन है वहाँ पे देखो लाइट ज़्यादा आ रहा है, तो हमें यहाँ पर डार्क करना है। तो साइज को यहाँ पे इंक्रीज करना है ब्रश का, हार्डनेस को आपने एकदम जीरो कर देना है, ओपेसिटी 50%, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, ब्रश करना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो कुछ इस टाइप से जूम करते हैं और यहाँ पे जो आप ब्रश करोगे तो ये एकदम मस्त सेट होगा। यहाँ पे देखो देख रहे हो, अब गाइस ऐसा लगेगा कि जो हमारा सूट है उसी के अंदर हमारा मॉडल भी है, इससे गाइस एकदम देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो उसके बाद से गाइस अब क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल से इसको हम डन करेंगे, ठीक है। यहाँ से डिस्कार्ड करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे
और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पीएनजी मिलेगी उसको ऐड कर लेना है। जैसे गाइस ये रेड कलर की पीएनजी है तो इसको हमें ब्लैक करना है। तो ब्लैक गाइस आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले इसको सेट करना है, फिर गाइस इसको एफएक्स में लेके जाना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है कलर में जाकर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करोगे तो आपने इसको क्या करना है, अमाउंट को जीरो कर देना है, जिससे गाइस ये फुल डार्क हो जाएगा और गाइस ये नीचे सेट हो जाएगा। तो नीचे जो गाइस एरिया है वो एकदम डार्क हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट पीएनजी की जरूरत है, तो सिंपल से ऐड फोटो पर जाएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये रही पीएनजी, इसको सिंपल से हम नीचे का साइड सेट करेंगे यहाँ पे, और टेक्स्ट पीएनजी लगाने से आपकी पोस्टर और भी रियलिस्टिक लगने लगेगी। तो यहाँ पे गाइस जो हमारी टेक्स्ट पीएनजी है वो भी हमने रेडी कर लिया। देन सिंपल से क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। डन करने के बाद से ड्रॉ टूल में जाएंगे, उसके बाद से गाइस करेंगे फोटो को सेव और चलेंगे अपने लाइट रूम में। सो गाइस हमने यहाँ पे अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लिया और फोटो के साथ मैंने प्रीसेट दे रखी यहाँ पर। देखो मैंने जितनी भी एडिट किया सबकी प्रीसेट दे रखी, आपने नहीं देखी तो जाकर देखो और डाउनलोड करो। तो यहाँ पे सिंपल से थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे गाइस हम फोटो के ऊपर जाते हैं, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो बूम, एकदम मस्त लुक आ जाएगी आपकी फोटो में। यहाँ पे देखो बिफोर एंड आफ्टर में, मतलब एकदम गजब ही आपकी फोटो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।